हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ऑल जीके जीएस हिंदी ऑफिशियल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य, मौर्य शासक और उत्तर पूर्व काल। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर एक। चाणक्य का अन्य नाम था, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी। दो, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर तीन, वह शासक कौन था जिसने राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अशोक, ऑप्शन ए। चार, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुआकी, ऑप्शन डॉग। पाँच, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? किस प्राकृतिक भाषा हो गया, छूट गया है, किस प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया है? तो एक रूपता से प्रयोग किया था अर्धमगधी, ऑप्शन ए। छ, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला, ऑप्शन बी। सात नंबर, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? मौर्य सम्राट अशोक, ऑप्शन ए, प्रियदर्शी मौर्य सम्राट अशोक। आठ, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश। नौ, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का, ऑप्शन बी। दस नंबर, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य, जो जिसको विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, ऑप्शन सी। सांची किस कला या मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची किस कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध, ऑप्शन बी, सांची मध्य प्रदेश है। तेरह, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि सर्वैगेला कर्नाटक में अपनाए थे, ऑप्शन ए। चौदह, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पौंड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन सोलह, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अघाशत्रु, ऑप्शन ए, अघाशत्रु हर एक वंश का था। सत्रह, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक के उत्तराधिकारी कौन बना? तो कुणाल, ऑप्शन ए। अठारह, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक कहेगा तो विशाख दत्त, ऑप्शन बी। उन्नीस, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिष संधियों के बारे में, ऑप्शन डॉग। बीस, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? बीस, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डॉग। इक्कीस, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? अशोक, ऑप्शन ए। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? नहीं है तो पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी। गिरनार में है, कंधार में है और टोपरा में है। तेईस, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन बी। चौबीस, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश, मौर्य वंश ने घनानंद के हरा कर मौर्य वंश का स्थापना की, जिसमें मौर्य के साथ दिए थे चाणक्य। मौर्य वंश के बाद बोले कौन सा आया था? तो मौर्य वंश के बाद आया था सुंग वंश,
25 मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र का तहसील जो कि पटना स्थित है, ऑप्शन सी। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका, ऑप्शन डॉग। 27 जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त, इनका पुस्तक का नाम था मुद्रा राक्षस, ऑप्शन सी। 28 वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है मेगास्थनीज का इंडिका, ऑप्शन सी इंडिका। क्वेश्चन 29 अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कहेगा तो प्राकृत, भाषा कह देगा तो प्राकृत, वही लिपि कहेगा तो ब्राही। 30 नंबर निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की, निम्नलिखित में किस राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया, 7, ये भी वीआई क्वेश्चन है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, राजनीतिक नीति या पर, ऑप्शन बी। 33 निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, श्रीलंका सम्मिलित नहीं था, ऑप्शन सी। 34 पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन ए। 35 पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किससे, तो लकड़ी से, ऑप्शन सी। 36 बराबर गया जिले में जो स्थित है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया, आजीविकों ने, ऑप्शन ए। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन सी। 38 नंबर क्वेश्चन 38 केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, भाबरू स्तंभ, ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। 39 नंबर चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोला जाता था, उपनाम था सैंड्रोकोटस, 1-2 बिंदुसार के, अमित्र घात, 3 अशोक के प्रियदर्शी, चाणक्य के विष्णुगुप्त, 1-2 3 1 और 4, इसमें हो जाएगा 1-2 3 1, ऑप्शन नंबर सी। 40 प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ऑप्शन सी। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कालसी में, ऑप्शन बी, कालसी में, ऑप्शन बी। 42 सांची का स्तूप किसने बनवाया, सांची का स्तूप किसने बनाया था, अशोक, ऑप्शन ए। 43 अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, जेम्स प्रिंसपे, डॉग, कब बड़ा था, तो 1837 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अब बोल देगा कि अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी, टी पैंथला, 1750 में खोज हुआ था, 1750 में, अब पढ़ा गया था 1837 में। 44 कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है, 13वां शिलालेख में, ऑप्शन डॉग। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन सी। 46 चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया, 305 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी। 47 निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था, जनता के संपर्क में रहते थे, अशोक, ऑप्शन बी।
48 अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, ऑप्शन सी। 49 अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? भाषा बोलेगा तो प्राकृत और लिपि ब्राही, ऑप्शन ए। 50 किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में, ऑप्शन सी। 51 मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, उन्होंने विकास किया था? तो संस्कृत, कला और साहित्य के, सोने का विकास नहीं किए थे। प्रांतीय विभाजन का, हिंदू कुश तक समाज साम्राज्य का, हिंदू कुश तक साम्राज्य का, 1, 3 और 4, 1, 3, 4 ऑप्शन डॉग, सोने के सिक्के पहली बार चलाए थे हिंद यूनानी, शुद्ध कहेगा तो कुषाण और सर्वाधिक गुप्त। 52 अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, कारण कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। दोनों सही है, लेकिन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ऑप्शन ए सही है। 53 अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है 2 और 14, ऑप्शन डॉग। 54 कथन ए, अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी, कारण कथन ए और कथन आर, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या भी है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो मौसकी अभिलेख से, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन डॉग। 56 निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभ के बारे में गलत है? इन पर बढ़िया पॉलिश है, सही है, यह अखंड है, सही है, स्तंभों का साइप्ट शून्यकार है, ये भी सही है, वे स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये सही नहीं है। कौन सा गलत है? तो यही होगा ऑप्शन डॉग। 57 श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58 सूची एक को सूची टू से मिलाइए। प्रांत और राजधानी, उत्तरापद की राजधानी कहेगा तो तहसीला, दक्षिणापद के सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र के उज्जैनी, प्राची या पूर्वी प्रदेश के पाटलिपुत्र, इसमें हो जाएगा ए। 59 किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में, ऑप्शन ए। 60 अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोथ के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? उपगुप्त से, ऑप्शन सी। 61 किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा? मेगास्तनीज, ऑप्शन ए। 62 मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को, ऑप्शन बी। 63 मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था? गुप्तचर को गूढ़ पुरुष, ऑप्शन ए। 64 किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? 30 ऑप्शन सी। 65 किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिशिष्ट पर्वन में, परिशिष्ट पर्वन, ऑप्शन बी। किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? आषाढ़, जो कि जुलाई, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों को उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया? तो इसमें किया गया था चोल को, पांडव को, सतीय पुत्र को और केरल पुत्र को। रिलेट कीजिएगा तो पांचों केस,
पांचों केस पास हो जाएगा पांडव, चो से चोल, के से केरल पुत्र, स से सती पुत्र। अगला क्वेश्चन 68 अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, शिलालेख ऑप्शन बी। 69 अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी, ब्राही ऑप्शन ए। 70 अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है, अफगानिस्तान ऑप्शन ए। अफगानिस्तान का राजधानी कहाँ है तो काबुल। अगला क्वेश्चन 71 अत्यंत पॉलिश किए गए एकाशक एकाश में अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकाशम के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खजानों में से निकाला गया, तो मिर्जापुर के समीप चुनार से ऑप्शन ए। 72 भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं या किसकी युक्ति है, तो मेगास्नीज के ऑप्शन डॉग। 73 किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया, बिंदुसार ऑप्शन बी। 74 अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, तेरावा बृहत शिलालेख ऑप्शन सी। 75 बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान करें, अशोक कहाँ का गवर्नर था तो उज्जैन के ऑप्शन ए। 76 किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, पृथक कलिंग शिलालेख ऑप्शन ए। 77 कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है, तो कलिंग का पृथक शिलालेख ऑप्शन डॉग। 78 किस शिलालेख में